तो आइए बेटा, आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने टॉपिक आपके लिए स्टार्ट कर रखा है, वेव इक्वेशन, आज हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो क्वेश्चन को पहले ही मैंने बोर्ड पे मेंशन कर दिया। तो आप क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लें। बुक्स आपके पास, कोई भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हो, उसमें भी क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज मिल जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक है? तो बिल्कुल मैं यूनिक तरीके से इसको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, लेकिन इस बात को, क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना, जो मैं इसका डेरिवेशन एज इट इज करूंगा, कुछ इक्वेशन तक, मल्टीपल इक्वेशन तक बात करूंगा, कि 9 या 10 इक्वेशन तक, ऐसी कुछ मैं आगे बात करने जा रहा हूँ, और वही क्वेश्चन अगले क्वेश्चनों में भी मैं उसी इक्वेशन को यूज करता रहूंगा डायरेक्ट। तो आपको इस जो मैं आज प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, इसको नोट 100% करना ही करना है। आप इसके बिना आप आगे का चैप्टर, ये वेव इक्वेशन का क्वेश्चन, आप यूनिवर्सिटी का, कोई भी यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हो, 100% पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें बात को जरा ध्यान से समझना, कब हमारी वेव इक्वेशन यूज होती है, कब हमारी हीट इक्वेशन यूज होती है। तो अभी हीट इक्वेशन पे आगे हम डिस्कशन करेंगे, पहले वेव इक्वेशन की बात करें। ये कह रहा है ए स्ट्रिंग इज स्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट एट ए डिस्टेंस एल पॉइंट, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो एल दे रखी है। ये आपको चेंज कर सकता है न्यूमेरिकल के अंदर, बाकी चीज हमारी बात सेम टू सेम चलेगी। मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग इन द फॉर्म y बराबर a sin y x / m, ऐसा कुछ दे रखा, व्हिच इज रिलीज एट द टाइम t इक्वल टू 0, सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट एनर्जी एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड एट द टाइम इज गिविंग y x t बराबर, ऐसा कुछ रिजल्ट हमसे प्रूव कराने के लिए हमसे कुछ कह रहा। हमें जहां भी स्ट्रिंग की बात आती है, वहां न्यूमेरिकल के अंदर वन डायमेंशन हीट इक्वेशन यूज होती है ना जी, वहां वन डायमेंशन हीट इक्वेशन यूज होती है, और सॉरी वन डायमेंशन वेव इक्वेशन यूज होती है, ना कि हीट इक्वेशन यूज होती है। स्ट्रिंग वाले सवालों में हमेशा वन डायमेंशन वेव इक्वेशन यूज होती है, या वेरिएबल की हमारे क्या चल रहे हैं, वाई और एक्स में बात चल रही है। तो हमारी कल हमने वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का सोल्यूशन करा था, वो तीनों केसों के द्वारा हमने उसको हल किया था, ठीक है जी। लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर केस से द्वारा हल करेंगे, यदि न्यूमेरिकल की बात होगी तो हमें एक ही केस से काम चला देना, क्योंकि बाकी जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने में टाइम काफी लगेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, एक एक बात नोट करते जाना, और ए टू जेड हमारी बात समझना अपने आप आने लगेगी। मैंने कहा द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जहां भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की बात होती है वहां वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन यूज होती है, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स, है ना जी। कुछ बाउंड्री कंडीशन होती है 100%, वो बाउंड्री कंडीशन ऐसे ही बनती है, द बाउंड्री कंडीशंस आर, स्टार्टिंग में हम वैल्यू कहते हैं वाई जीरो कॉमा टी बराबर जीरो, दूसरा एंड वाई एल कॉमा टी बराबर जीरो, बस ये चीज चेंज हो सकती है न्यूमेरिकल के अंदर, यदि डिस्टेंस हमारी उसमें एफ की जगह ए दे दी गई तो हम उसे ए यूज करेंगे सवाल के अंदर, यदि ऊपर हमारी डिस्टेंस पाई दे दी गई तो हम उसमें पाई को यूज करेंगे, जो भी आपको डिस्टेंस दे दी गई हम उसको यूज करेंगे, यदि टू दे दिया टू यूज होगी सवाल के अंदर। ये तो 100% बननी बननी है आपको कंडीशन, द इनिशियल कंडीशंस आर, ठीक है जी, द इनिशियल कंडीशंस आर, एक बनती है न्यूमेरिकल के अंदर वाई एक्स कॉमा जीरो बराबर क्या दे रखा है आपको, ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, दो बाउंड्री कंडीशन बनती है वेव इक्वेशन में, ठीक है, और दो ही हमारी इनिशियल कंडीशन बनती है, एंड डेल वाई ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू हमारी, ये कंडीशन बदलेगी, बस न्यूमेरिकल जो आगे आएगा उसमें आपको बात ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये बात कुछ चेंज होगी, बाकी एज इट इज चलेगी चलेगी, ठीक है जी। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ऐसी आपको आने वाली नहीं है, ठीक है जी। तो एक बात का विशेष तौर से हमें न्यूमेरिकल का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज हमसे न्यूमेरिकल कह रहा है, इस बात को फोकस करना है, इन चीजों को मैंने समझिए बॉक्स में बंद करके, जिससे हम इस चीज को ना रख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो हमारे पास क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी और ये बात एज इट इज रखी रहेगी।
तो जो चीज बात एज इट इज लिखी रहेगी बस उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा आपको, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यदि हम वीडियो को हम बहुत सारे पूरे टॉपिक को ज्यादातर क्लियर करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो हमारी शेयर होगी थी बहुत ज्यादा, और आपको चैप्टर में वो दिक्कत महसूस करेंगी आपको। तो हम इसको आसान करेंगे आराम से तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमारी बात को ध्यान से। तो कल हमने बात इस वन डायमेंशन में भी क्वेश्चन में क्या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में मेथड को बताया था कि लेट अस अज्यूम दैट वाई एक्स कॉमा टी एक्स एक्स और टी टी, हमने ये मान लिया कि ये जो है वो एक्स एक्स का फंक्शन है और टी मतलब वेयर एक्स एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली एंड टी टी इज द फंक्शन ऑफ टी ऑनली। ठीक है जी, अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे डेल वाई ओवर, सबसे पहले डेल वाई ओवर डेल एक्स ही निकालते हैं, तो क्या हुआ टी डेल एक्स ओवर डेल एक्स। यदि हम डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो टी डेल स्क्वायर एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, हम इसे टी में डी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमने सारी सारी बातें पीछे उसमें आपको क्लियर कर दी है, क्योंकि तो यहाँ क्वेश्चन बहुत लेंथी होने जा रहा है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहले स्लाइड को जरूर देख लें, इससे पहले पार्ट को, वो दोनों पार्ट मैंने रिलीज कर दिए हैं, उनको जरूर देख लें, 100% समझ में आएगा आपकी बात। डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर बराबर कितना एक्स, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल टी स्क्वायर बराबर एक्स और टी डबल। ये सारी की सारी वैल्यू हमारी कहां रखी जाती है, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन में ये वैल्यू रख दी जाती है। कितना की डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर हमने कहा एक्स टी डबल डैश इनटू बराबर कितना जी आपका c स्क्वायर और कितना टी एक्स डबल डैश। c स्क्वायर को हमेशा यहां यूज कर दीजिए मतलब कौन c स्क्वायर x t डबल डैश। हर सवाल में आपको पहले भी प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया था, डिवाइड करते हैं किसका, डिवाइड करते हैं x t का ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, मेरी बात को ध्यान रखना जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कराएंगे तो पूरा प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यदि आप इस चीज को दोबारा दोबारा नोट करते रहोगे तो फायदा क्या, आपकी कॉपी में एक बार चीज नोट हो गई तो आपको दिक्कत ही महसूस नहीं होने की आप। ठीक है जी, हाँ जी, डिवाइड कर दिया हमने इसका एक्स डबल डैश एक्स वन अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी। ठीक है जी, ये हमने पूरा पूरा ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। अब हाँ यदि याद हो इससे पार्ट वन पार्ट टू में मैंने आपको वन डायमेंशन दे दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करा था, और वन डायमेंशन दे दी क्वेश्चन में एक खास बात कही थी, सवाल के अंदर हम तीन केसों के द्वारा डिस्कशन करते हैं, यहाँ को तीन केस डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होने को तो वो तीन बेस केस के भी डिस्कशन कर लोगे लेकिन न्यूमेरिकल हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा, हमारा तो एक केस से ही काम चल जाएगा, वही वैल्यू को फाइंड करता है सवाल के अंदर, वही रिजल्ट को हमारा प्रूव करके लाता है। हमने वहां बताया था के, हमने माना था के की तीन वैल्यू हमने कंसीडरेशन की थी, एक के आपकी इक्वल टू जीरो, एक बार के ग्रेटर देन जीरो और एक बार के लेस देन जीरो। अब यहाँ हम सिर्फ के की कंसीडरेशन करेंगे सवाल के अंदर, इसको वैल्यू को मानेंगे माइनस के पी स्क्वायर, हम इसमें कंसीडरेशन करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के अंदर और बात को डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनते रहना, एक एक बात नोट करते रहना, मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी हर सवाल के अंदर, तो इसलिए मैं ये ब्रैकेट को अगले क्वेश्चन को भी नहीं मिटाऊंगा, फिर स्लाइड में भी इसको नहीं मिटाया जाएगा क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन जरूरी है, इससे ही आगे की बात डिस्कशन होगी। ठीक है जी, एक्स डबल डैश बराबर कितना माइनस के स्क्वायर, तो इसको इसके इक्वल ले लिया माइनस के पी स्क्वायर, है ना जी, आपको दिखाई नहीं दे इसलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा भी आपको लिख रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो हमने बोर्ड है ना जी क्वेश्चन बहुत रह दिए, तो आपका क्या आया डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स बराबर कितना जी, है ना जी, टी डबल डैश बराबर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ए। क्लियर, हाँ जी, इसको भी हमने यहाँ कह दिया जी न्यूमेरिकल के अंदर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर टी बराबर जीरो। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या ऑक्सिलरी क्वेश्चन,
ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को जीरो के इक्वल लेते हैं, डी की जगह एम रख देते हैं और राइट हैंड साइड को हमेशा जीरो के बराबर लेते हैं। आई स्क्वायर पी स्क्वायर एम की वैल्यू प्लस माइनस आई, यहां भी हमने ऑक्सिलरी क्वेश्चन निकाली, ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या आई, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर जीरो, एम स्क्वायर बराबर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस आई पी सी, है ना जी। तो हमारा x x कितना आया, x x आया c1 cos px plus c2 sin px, और t t किसके बराबर आया, कितना जी c3 cos pct plus c4 sin pct। एक एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होती रहेगी, सारी की सारी वैल्यू हमने कहां रख दी, क्वेश्चन नंबर 6 में रख दी थी, ये श्योर है जी आपकी बात। तो y x कॉमा t बराबर कितना थी, y x कॉमा t बराबर c1 cos pi x plus c2 sin px और c3 cos pct plus c4 sin pct, ये क्वेश्चन नंबर हमारी आ गई, ठीक है जी। यहां तक हमने कर ली 6 7, मैं बता रहा हूं बार बार आपको एक ही चीज को कह रहा हूं कि मैं कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन को मेंशन करूंगा, वहां तक का काम आपको हर सवाल में लिखना ही लिखना है एज इट इज, मामूली सा चेंज होगा वो चेंज होगा इस चीज में, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में ये कुछ चेंज होगा, अगले क्वेश्चन जो आगे प्रेजेंटेशन होंगे उनमें ये चीज चेंज होगी। हम पूरी पूरी वीडियो को बनाएंगे तो काफी बड़ी आपकी देखना भी, यही वीडियो कितनी बड़ी हो जाएगी ये आपके पास। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले इनिशियल कंडीशनों का यूज करते हैं, पहले सबसे पहले हम इन कंडीशन को यूज करते हुए कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। हमें ये समझ लो c1 c2 c3 c4 सबकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना जी। वो चार कंडीशन दे रखी है, यदि चार है तो चार ही कंडीशन होंगी तभी वो निकल सकती है, जब 1 2 3 और 4। आइए जी मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमें ये ध्यान से नोट कर लीजिए, एक एक बात को नोट कर लीजिए, हमें जरूरत पड़ेगी, काफी बड़ा लेंथी क्वेश्चन है जी आपका ये। आइए जी अब आपने नोट कर ही लिया होगा तो मैं इसको जो है अब आगे बढ़ा, आगे बढ़ाने के लिए जरा थोड़ा सा मैंने इसको फिर रख कर दिया। अब सबसे पहले इसमें हम रखेंगे ये कंडीशन, ये क्या है, वाई एक्स कॉमा टी का फंक्शन है, तो इसी क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 7 में पुट एक्स बराबर जीरो, इन इक्वेशन नंबर 7 में रख दिया, तो वाई जीरो कॉमा टी बराबर कितना, c1 cos 0 plus c2 sin 0 और c3 cos pct plus c4 sin pct। y x y 0 कॉमा t क्या दे रखा है, 0 बराबर कितना c1, इस sin cos 0 तो 1 होता, sin 0 0, c3 cos pct plus c4 sin pct, ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि जो हमने बाउंड्री कंडीशन रखी है उसमें एक्स बराबर जीरो रखा, उससे जो कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है उसको हम जीरो के बराबर कंटिन्यूएशन करेंगे, तो हम कहेंगे c1 की वैल्यू क्या, हर सवाल में जितने भी सवाल होंगे 100% c1 की वैल्यू आ ही जीरो ही आएगी इसी कंडीशन में, क्योंकि जब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 में वैल्यू रख दीजिए कितना आया, दिखाई एक्स कॉमा टी c1 की वैल्यू जीरो रख दीजिए, जीरो प्लस कितना c2 sin px और कितना c3 cos pct plus c4 sin pct, ठीक है जी। अब हमारे पास एक काम और करिए, थोड़ा सा और आसान कर लीजिए, x कॉमा t sin px इस c2 को एकदम मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको एक नया कांस्टेंट कह दीजिए, c2 c3 को हमने c5 कह दिया cos pct और c2 c4 को हमने c6 sin pct कह दिया, इसे क्वेश्चन नंबर हमने मेन ले ली 8, वेयर मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए कि c2 c3 किसके बराबर है, c5 और c2 c4 किसके बराबर है। अब जो हम कंडीशन यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, अब हम इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे जी, पुट है ना जी p बराबर l इन इक्वेशन नंबर 8 में रख दीजिए,
एट में रख दीजिए वाई एल कॉमा टी बराबर कितना साइन पी एल कितना सी फाइव कॉस पी सी टी प्लस सी सिक्स साइन पी सी टी ठीक है। तो साइन पी एल तो क्या कहते हैं जी आपके सवाल के अंदर तो साइन पी एल बराबर दी ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको जीरो के इक्वल और मैंने बताया जिस कंडीशन को हम यूज करेंगे उसी से बात करेंगे। P sin n pi जानते हैं sin pi 2 pi सबकी वैल्यू जीरो होती है तो P बराबर क्या हो गया n pi अपॉन वैल्यू निकालते चले जाएंगे और ऊपर वाली क्वेश्चन पे वैल्यू को हम रखते चले जाएंगे। अब वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 8 में रखी 8 में क्या रखी कि y x t बराबर किसके sin n pi x अपॉन n और c5 cos n pi ct अपॉन n n pi अपॉन n लग दी प्लस c6 और sin n pi ct अपॉन n ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 9 है। यदि न्यूमेरिकल में यूं समझ लीजिए l की जगह 2 आ गया तो बस क्वेश्चन नंबर 9 में यहां l की जगह 2 आ जाएगा बाकी जो का तो एज इट इज चलेगा ही चलेगा। 9 तक तो 100% सवाल जितने भी आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं जा रहे तक वो बात यही तक चलेगी आपकी। यदि ये कंडीशन जीरो बन रही है यदि सवाल के अंदर ये फंक्शन दे रखा है तो 100% ये वाली कंडीशन आपकी जीरो बनेगी बनेगी। यदि ये कुछ में दे रखा है सवाल वो भी आएंगे तो 100% ये वैल्यू जीरो बनेगी। इस कंडीशन का सबसे बाद में यूज करते हैं जो कंडीशन में कोई फंक्शन दे रखा हो उसको सबसे बाद में यूज करते हैं है ना जी। अब हम इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे सवाल के अंदर और हम क्या कहेंगे डेल वाई ओवर डेल टी तो डेल वाई ओवर डेल टी मतलब किसका हम पार्शियल डिफरेंशियल करने जा रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में तो मैंने करा दी पार्शियल डिफरेंशियल दिख रहा है आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा लेकिन फ्री के नंबर है पक्की बात है ठीक है जी। दो चार सवाल बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये फ्री के नंबर में मिलने जा रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल नाइंथ विद रेस्पेक्ट टू टी टी के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशियल कर दिया क्या है डेल वाई ओवर डेल टी बराबर कितना साइन एन पाई एक्स अपॉन एन कितना जी माइनस सी एन पाई सी अपॉन एन सी सिक्स सी फाइव है ना जी साइन एन पाई सी टी अपॉन एन प्लस एन पाई सी अपॉन एन C6 cos n pi CT upon n ये तो आप सभी समझ रहे हैं कि इसमें डिफरेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। किसका डिफरेंशियल cos का माइनस साइन होता cos n बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा जी इस इक्वेशन में 10th इक्वेशन में पुट t बराबर 0 रख दे इन इक्वेशन नंबर 10th में 10th में जो वैल्यू रखोगे तो डेल y ओवर डेल t एट t इक्वल टू 0 ये आपको दे भी रखा है क्या वैल्यू दे रखी है आपको जीरो बराबर कितना साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ठीक है जी। ये हमारी वैल्यू क्या बची साइन जीरो जीरो प्लस एन पाई सी अपॉन एल सी सिक्स इंटू कॉस जीरो वन ठीक है जी। तो सी सिक्स की वैल्यू क्या आ गई सी सिक्स की वैल्यू भी उठा के क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमने वैल्यू रख दी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में रखने के बाद हमारी कुछ इक्वेशन आई थी। अब जो मैं अगला क्वेश्चन आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं उस इक्वेशन में समझ लो है ना जी जो मैं अभी हाई इक्वेशन देने जा रहा हूं उसको भी अब नहीं करेंगे ठीक है। और आपको दिख जाएगा कि न्यूमेरिकल तो सर एक तो पेपर पे सर ने खत्म कर दिया थी ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा जितनी बार आप इसे लिखोगे 100% याद हो जाएगा कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैंने क्या करा कि y x t बराबर किसके sin n pi x upon n और कितना आया c5 cos n pi ct upon अब यदि एक कांस्टेंट बच जाता तो हम इसको जनरल सॉल्यूशन में बंद कर देते हैं। इसका जनरल सॉल्यूशन इज जनरल सॉल्यूशन में बस जरा सा अंतर करें हम इसमें क्या करते हैं कि आपको इसमें समेशन के रूप में लिख देते हैं n equal to 1 से infinite cn c5 को हमने ये cn sin n pi x upon n और cos n pi ct upon
तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं अगला जो सवाल का प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, मेरे बोर्ड पे ये दोबारा बात लिखी रहेगी, ठीक है? तो आप घबराए नहीं, कभी आप कहें कि सर ये क्या आपने कर दिया, ये तो पहले से लिखा हुआ है, मैंने उसका डेरिवेशन बाउंड्री कर दिया पहले में ही पार्ट में, अब मैं बार बार उसी चीज को दोबारा इतने पेजेस भर के दोबारा उस चीज को लाता रहूं तो दिक्कत तो आपको आएगी, फालतू में आप वीडियो जो है वो काफी लेंथी होती चली जाएगी, ठीक है? मैं बार बार आपसे कहूंगा मैं सिर्फ ये चीज चेंज करूंगा और बाकी चीज ये मिटा दूंगा, ये पहले ही मिटा के रख दूंगा जी आपके सामने और इसको बात करने सवाल करने। आइए अब हम लास्ट कंडीशन यूज करते हैं इस वाली कंडीशन को, ठीक है? और फिर टी बराबर जीरो इन इक्वेशन नंबर 11 पे रख देते हैं, ठीक है? 11 पे रखने के बाद वाई एक्स कॉमा जीरो समेशन एन इक्वल टू वन से इनफाइनाइट सी एन कॉस साइन, है ना जी, एट टी की जगह जीरो तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एन और कॉस जीरो, कॉस जीरो बन, ये कितना ए साइन पाई एक्स अपॉन एन समेशन एन इक्वल टू वन से इनफाइनाइट सी एन। अभी आपको मैं एक मेथड यूज करने जा रहा हूँ जो हर सवाल में एक ही तरीके का रहेगा, कंपेयरिंग करने के हम डायरेक्टली कंपेयरिंग कर सकते थे लेकिन जो मैं अभी आपको अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो हर सवाल में यही तरीका रहेगा। अब जो हमारी बात आएगी सवाल के अंदर, हमारी बात क्या आई, जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा आपको बताएगी कि साइन सीरीज है या कोसाइन सीरीज है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड पर हमारी क्या है साइन सीरीज है, इसको भी एक काम कर लीजिए, इसको आप एक फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स मान, जिससे आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला सा बन जाए और आपको दिखाई दे रहा है fx क्या है आपका ये फंक्शन, द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 12 इज ए फोरियर साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज है कि आपकी जिसको हम निकालते हैं सी एन लाइक जो भी यहां है साइन वाले को छोड़ते हुए बाकी सब टर्म 2 अपॉन एन 0 से एन fx साइन कितना जी साइन एन पाई एक्स अपॉन एन। ये थोड़ा सा भी आपको मेथड लेंथी लगेगा लेकिन अगले सवाल का आप कहोगे सर ये तो बहुत ही मजेदार बात सिखा रही है आप, ठीक है? अब मैंने इसको फिर इधर से रफ कर दिया कि बात को ध्यान से सुनते रहिए, क्वेश्चन बड़े हैं 10 नंबर फ्री के नहीं है जी साहब, ठीक है? थोड़ा सा तो मेहनत कराएंगे ही कराएंगे आपसे, हमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको भी कोई दिक्कत आनी नहीं है, ये मेरी शॉर्टी है जी, ठीक है जी? आप स्टूडेंट को बताइए कि बिल्कुल नए तरीके से सर हमारे को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है, मेरा चैलेंज है जी कहीं भी आप मुझे इस चीज को दिखा दे प्रेजेंटेशन, ए इतने न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं बाकी पर एक दो न्यूमेरिकल उन्होंने मेंशन कर रखे हैं बाकी, है ना जी? dx ये क्वेश्चन नंबर हमारी 13। अब इसमें क्या करते हैं n बराबर 1 2 3 ऐसा रखते हैं इन क्वेश्चन नंबर 13 में, तो c1 बराबर 2 अपॉन l 0 से l a sin pi x अपॉन l और sin pi x अपॉन l dx। एक बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखना जितने भी ये सवाल है जब तक ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा मतलब साइन पाई एक्स तभी वो वैल्यू निकलेगी उसके बराबर, क्योंकि वो वैल्यू वो जीरो नहीं होगी इस सवाल के अंदर, क्यों होगा मैं अभी उसका कारण बता रहा हूँ, फिलहाल तो हम इसको बात कर ले जीरो से एल साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन, ठीक है जी? और सी वन बराबर कितना 2a अपॉन एल 2 को भी अंदर ले जाइए 0 से एल 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स बराबर कितना ए अपॉन एल 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कितना कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल इनटू, तो क्या आया सी वन बराबर ए अपॉन एल। और मैं आपको फिर उसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा जी जो आप हर सवाल में देखते रहोगे और क्या होगे हाजी बुद्धि ये तो बहुत ही आसान बात है जीरो से, ठीक है जी? तो c1 बराबर कितना a अपॉन l sin 2 पाई 0 होगा तो वैल्यू क्या आ गई, तो शॉर्टकट बात सुन लीजिए शॉर्टकट मेथड क्या है जी वो भी ध्यान से सुन लो, मतलब जो चीज यहां है 2 अपॉन l ये तो यूं ही लिख लीजिए, जो इसके साथ कांस्टेंट है वो आएगा ये आएगा
और 100% इसकी वैल्यू आएगी एल अपॉन टू, यदि एन में दे रखी है। यदि आपकी बात पाई दे रखी है तो पाई बाई टू, वन दे रखा तो वन अपॉन टू। देखो जी ये कट गया, ये कट गया, तो वैल्यू क्या हो गई सी वन, हमने एक मिनट में निकाल लिया। ठीक है जी, आप कंपेरिंग भी करके निकाल सकते थे, कोई दिक्कत है ना इस सवाल के अंदर। और जितनी भी वैल्यू होंगी सी टू सी थ्री, ये सारी की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे मतलब जीरो से एल कुछ भी हो, इस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल या साइन टू पाई एक्स अपॉन एल, ये अलग अलग जब भी होंगे सवाल के अंदर तो वैल्यू समझ लीजिए जीरो। एम और एल अलग अलग होंगे, यदि एम मतलब जनरल में हम फार्मूला लेते हैं तो ये समझ लो जी एम और एन, यदि एम और एन बराबर नहीं है तो 100% ये वैल्यू क्या होगी जीरो। यदि हम यहाँ टू रख दें सी टू रख दें तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन ए डी, यहाँ हो गया साइन टू पाई एक्स अपॉन ए डी, बात समझ में आ रही है, अलग अलग हुए तो वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो निकालने की जरूरत नहीं है, सी टू सी थ्री सी सब की वैल्यू क्या होगी जीरो। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 11 पे रख दी, इसमें रख दी जी क्वेश्चन नंबर 11 पे रख दी। 11 का काम हमारा ठीक है जी फिर होने जा रहा है, और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, y x t बराबर किसके c1 है ना जी, इतना जी sin y x upon n cos y c t upon n c2 c3 c की वैल्यू सारी की सारी क्या है जी, तो y x t बराबर a sin y x upon n और cos y c t upon n, ये बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर उठा के देखिए। ठीक है जी, तब धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड की तरफ जाएंगे। आपने भी एक मुझे भाई कमेंट भेजा है कि सर लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन करो, भाई सर थोड़ा सा प्लीज फंडामेंटल सीख लें, फिर लाप्लास का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रेजेंटेशन दिया जाए, पहले थोड़ा बहुत फंडामेंटल तो जरूरी है ना, तो उस चीज को बात को ध्यान से सुनो। अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को है ना जी, आपने नोट कर लिया, देखो ये हमारा रिजल्ट भी प्रूव कर रहा है, यही प्रूव कर रहा है, देख लो a sin pi x / n हैज टू, ठीक है जी, यही प्रूव आपसे कर रहा है cos pi c t / n। मैं इस स्लाइड में आपको सारी चीज मिटा रहा हूं, दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन नया प्रेजेंट कर रहा हूं, आप देख लीजिए दोबारा से इसी क्वेश्चन को मैं यही लिखे रहने दे रहा हूं, जो जो मुझे काम की चीज नहीं है मैं उनको मिटा रहा हूं, जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ जी सर ने हमारे लिए बिल्कुल नया तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, हम फालतू में आधा पौन घंटा आपका खराब करते रहे, मैं यहाँ आपको मिटा के सब चीज दिखा रहा हूँ, तो मैंने अब ये भी मिटा दिया है ना जी। आपको अगले क्वेश्चन में बेचक होके बस एक टर्म को छोड़ते हुए आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर हमारी क्या काम करना है, क्योंकि तो छोटा लेवल नहीं है साहब, जब थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन का आप भी पढ़ने जा रहे हो तो हम जो है थोड़ा सा काम ऐसे ही करेंगे आपके सामने, क्या करेंगे और मजबूरी हमारी यही है कि कहाँ से प्रेजेंटेशन को हम दें, दोबारा उस चीज को हम फालतू में उतारते रहेंगे। तो मैंने देखा जी आपको फिटो वाला से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दी, बाकी जो का जो है सवाल में आप नया चेंज कर रहा हूँ और नया आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और आपके सामने आपको पता चल जाएगी न्यूमेरिकल तो सर बहुत जल्दी खत्म हो गया जी हमारा, तो हमारी तो बात ही बहुत जल्दी खत्म हो गई थी आपके सामने। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स बेटा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे शेयर करते रहिए, मुझे अच्छे लगते हैं, कोई भी चीज आप मुझे कमेंट कर रहे हैं तो मैं उनका सॉल्यूशन जितना भी हो सके जल्दी से जल्दी पेश करूं, लेकिन टाइम जैसा टाइम होगा तभी टाइम का प्रेजेंटेशन आएगा, अभी मैंने बताया था। ठीक है, थैंक यू बेटा।